हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो बताना मेरे को। और आज मैं देखो आपको कुछ नया दिखाऊंगी। ये मेरी ओढ़नी है, मैं इसमें मेरे पास रेड कलर की है, इसको तैयार करूंगी। तो ये जॉइंट हो रही है, इसको मैं पहले कैंची से काटूंगी, काट के फिर इसको बनाऊंगी आपके सामने। काटती हूँ देखो, मैंने कट कर लिया। इसको दो पार्ट हो गए हैं, दो पार्टों को देखो, दो पार्ट हो गए हैं अलग अलग। ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को मैं मशीन से सिलाई लगाऊंगी ऐसे करके, ऐसे इसको दोनों को ऐसे करके मशीन से पूरे की सिलाई लगा के फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखो दोस्तों, मैं इसको सिल रही हूँ। देखो दोस्तों, ये मैंने पूरी सिल दी है। ये मैंने पूरी सिल दी है, देखो इतनी बड़ी बन गई है, बहुत बड़ी। अब इसमें मैं ये डालूंगी, पूरी कट करके दिखाती हूँ। देखो ये मैंने सारी कट कर ली है, मैं इसको इनको सब को आपको लगा के दिखाती हूँ ऐसे ऐसे। देखो दोस्तों, मैंने ये सब इन वैसे रखी है, अभी तो मैंने सब चिपका दी, चिपकाई भी नहीं है वैसे। देखो ऐसे ही रखी है, और मैं ये सुई की सहायता से इनको सिलूंगी सबको। देखो मैंने ये सिल दिए, देखो गुड़नी जी ने ये सिल दिया है। मैंने इसी की तरह मैंने ये साड़ियों को सिल दूँगी सुई की सहायता से, और इससे सिल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखो मैंने ये ऐसी सेम लेमन कलर की तैयार कर रखी है, जो मैंने ओढ़ रखी है ऐसी। इसमें लैस लगाई थी, इसमें बूटियाँ लगाई थी, ये भी मैंने मेरे हाथ से ही तैयार की थी, बहुत प्यारी लगती है ये भी। भी लगा दी है, और ये देखो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी अच्छी लगी है इसकी ये लैस चारों तरफ। ये पूरी तैयार है अब, और मैं आपको इसको ओढ़ के भी दिखाऊंगी।
देखो इसमें ये बूटियाँ डाली है मैंने पास से, देखो ये अब बहुत सुंदर लगती हैं। बीच में ये मैंने डबल करके डाला है, सुई से सिली है मैंने सारी, ये हाथ